आकाश द्रव्य नहीं है वो, और ना ही काल द्रव्य। चूंकि अपन सभी ऐसा बोलते हैं, गृहस्थी को चलाने वाला मैं हूं, घर चलाने वाला मैं हूं, गाड़ी चलाने वाला मैं हूं, देह को चलाने वाला भी मैं हूं, लेकिन कभी आप सूक्ष्म तत्व की तरफ से विचार करना, गाड़ी आपके चलाने से चल रही है कि लोक में धर्म द्रव्य के व्याप्त होने से चल रही है? छह द्रव्य है ना, गेय प्रज्ञापन अधिकार चालू होगा और छह द्रव्य की खूब गंभीर चर्चा आएगी। छह द्रव्य कौन कौन से हैं? त्रिलोक में छह द्रव्य हैं, कौन कौन से छह द्रव्य हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। हम सब जीव हैं। कौन कौन है जीव? अपन सभी जीव हैं। चेतना लक्षणों जीवा, जो जान रहे हैं वो जीव हैं। लेकिन एक बात है कि हम देह से मिक्स करके जीव मानते हैं अपने आप। जो भूले हुए हैं वो देह युक्त चेतना को जीव समझते, जबकि ज्ञानी कहता है कि देह देह है और जीव जीव है, दोनों मिलकर के एक हो रहे हैं। ज्ञानियों, विषम जातीय पर्याय में हम भूल गए, राग द्वेष मोह में फूल गए। मैं चैतन्य, मैं जीव हूं, ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, जीव द्रव्य। और पुद्गल द्रव्य कौन सा हो गया? पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वंताहा पुद्गलाहा, जिसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, वो सब पुद्गल है। देख लो आप, जो जो छूते हैं, जो जो देखने में आता है, वो सब पुद्गल की लीला है। पुद्गल का स्वभाव पूर्ण गलन है, वो बनता भी है मिटता भी है। देखो, जिन लोगों ने महल बनाए थे वे महल भी आज मिट्टी में मिल गए। हम लोग गुरुवर सन्मति सागर जी के सानिध्य में राजा गृह की यात्रा पर थे। राजा गृह गए, आचार्य महाराज ने कहा कि अपन पांचों पहाड़ों की वंदना करने जाएंगे। कहा अच्छी बात है, गुरु आज्ञा शिरोधार्य, और जब आप आगे आगे चलेंगे तो लोग कह रहे थे कि चौथे पहाड़ पर बहुत खतरा है, कोई जाता नहीं है। गिरनार जी का तो चौथा पहाड़ खतरनाक है ही, वहां पर भी राजा गृह में वो थोड़ा अलग साइड भी पड़ता है और लोग उस पर कम जाते हैं। तो और फिर कुछ उस समय घटना घट गई थी, कोई नक्सलवादियों की या कुछ भी, तो फिर आप थे ना, त्रिलोक जी थे राजा गृह की, तो अपन चौथे पहाड़ पर भी गए थे। तो खूब मना किया लोगों ने, कोई नहीं जा सकता है, पुलिस ने बैन लगा रखा है वो। महाराज जी बोले कि भाई देखिए, दर्शन करने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप कमेटी वालों को इतनी फिक्र है तो एक दो लोग साथ में चलो। तो फिर गए आप आगे आगे थे, और वहां जब वहां वीरान जैसा पड़ा था तो वहां पर एक मंदिर में सांप बैठा मिला, आदमी तो कोई नहीं मिला। और एक दूसरी जगह ये देखा कि कुछ नव निर्माण चल रहा था और दिगंबर मूर्तियों में सीमेंट भर करके, और हाँ, उनका दिगंबर मुद्रा ना दिखे, फिर आंखें ही तो लगाना है बस। जो भी है, कहना ये चाह रहे कि वहां गुरु महाराज के सानिध्य में पूरी यात्रा हुई। यात्रा के मध्य हमने देखा कि इतनी मोटी मोटी दीवारें, बड़ी बड़ी दीवारें, 9 फुट 10 फुट चौड़ी जितनी दीवारें, लेकिन सिर्फ दीवारें, 2 फुट ऊंची, कहीं 3 फुट ऊंची, कहीं 1 फुट ऊंची,
तो साथ में चलने वालों से पूछा कि ये क्या है। अब अपने अंदाज तो अपन को भी है कि राजा सरणिक की राजधानी रहा है, तो फिर वो चलने वाले ने बताया कि ये सब राजा सरणिक के जमाने की महल है, ये सब उनके महलों की दीवारें हैं, जितने में आपका रूम बन जाएगा उतनी चौड़ी उसकी दीवारें, लंबी चौड़ी दीवारें, आधी अधूरी दीवारें, आधा अधूरे महल। देख करके मालूम पड़ा कि एक दिन अच्छे अच्छे महल भी धूल में मिल जाते हैं। राजा सरणिक ने उनको पाने के लिए, उनको बनाने के लिए कितना उपद्रव किया था अपने जमाने में, और उनका हाल देख। तो जैसे ये प्रसंग हो गया, ऐसे ढेरों प्रसंग है। कितने बादशाही अपने बना बना के चले गए, लेकिन कोई भी शाश्वत नहीं रहे। पुद्गल का स्वभाव ही पूर्ण गलन है, वो चीजें अपने आप मिटती जाती हैं और दूसरी नई चीजें बनती जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि पुद्गल की बहुत आसक्ति नहीं करना, देह को भी देह समझ करके इसका सही सही सदुपयोग करते जाना। आत्मार्थियों, जीव पुद्गल धर्म द्रव्य, चलने में सहयोगी, पूर्ण गलन। चूरमा का लड्डू देखा आप लोगों ने? चूरमा का लड्डू कैसे बनता है? चूरमा का लड्डू कैसा बनता है, किस किस को बनाता? अच्छा, मगज का लड्डू किसको बनाना आता है? आप लोगों को कुछ नहीं आता है, दूसरों के भरोसे सब काम छोड़ दिया ना, घर का नहीं छोड़ा, तो फिर आना चाहिए और आपको मालूम होगा। लेकिन हाँ, सबके लिए कौन बताए? वो सीक्रेट होता है ना, वो किसी को नहीं बताना है, पेटेंट होता है, मत बताइए हम बता देते हैं। होता तो एक तरह से बिखरा हुआ आटा ही होता है ना, फिर उसको सेकेंगे, उसमें घी डालेंगे, उसमें अमुक तरह से ऐसे करते जाएंगे। अब देखा जाए तो बिखरा हुआ आटा है, लेकिन उसको एक संस्कारित करके गोल लड्डू का रूप दिया। पानी तो नहीं डालते उसमें, पानी नहीं डालते, इसलिए उस लड्डू की मर्यादा ना मानने वाले हफ्ते हफ्ते भर तक मान लेते कि लड्डू बना के रख लो, शेखर जी की यात्रा पर निकल चलो, रास्ते में कुछ खाने को अपने लायक नहीं मिलेगा तो लड्डू से काम। अब जी श्रावकों की अपनी बुद्धिमानी है, इधर उधर मुंह मारने से, होटल का इधर उधर का खाने से अच्छा है। हम तो इस बात को कहते हैं कि होटल का और पैकेट बंद डिब्बे का खाने से अच्छा है अपने घर की बनी हुई बासी रोटी खा लेना। क्या समझे इसमें? आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा, चूंकि बासी रोटी अभक्ष हो गई, क्योंकि वो 12 घंटे से ज्यादा हो गई, 6 घंटे से ज्यादा हो गई, लेकिन फिर भी वो इतनी तो विश्वसनीय है कि हमने बनाई है, घर पर माँ ने बनाई है, अच्छे से बनाई है, शुद्ध आटे की है, और हम इसको सुखा भी लें, 2-3 दिन खा भी लें। लेकिन जो पैकेट का आया हुआ है और जो यूं आप दुकान से खरीद के ले आए, उसका तो पता भी नहीं है कि किस ढंग के द्रव्य से तैयार किया है, किसने तैयार किया है, कब हाथ लगाया है, कितना बासा पुराना हो गया। इसलिए ऐसा बोलते, घर की बासी रोटी पूरी अच्छी। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करेंगे, दूध से बना लेंगे, घी अकेला डाल करके, और ऐसे तो जब वो मौन बोलते हैं ना, मौन डालने से बेसन का लड्डू, मगज का लड्डू मुलायम हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। उसमें अगर मौन पड़ जाए तो मीठा, स्वादिष्ट, मुलायम हो जाता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी मौन पड़ जाए ना, तो आपका जीवन भी स्वादिष्ट हो जाए। कल एक दीदी जी आई और पूछने लगी, बहन जी, महाराज जी, हमारी ये जो है ना पतिदेव, वो किसी की नहीं सुनते, मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनते, दूसरे की तो थोड़ा सुन भी लेते हैं, आप बताओ क्या करें। हमने उनको उपाय बताया कि तुम मौन रहना चालू कर दो, तुम इतने चुप रहो, इतने कम बोलो कि सामने वाला आपकी बोली सुनने के लिए
तरस जाए। देखिए यही लोग सब ताली बजा रहे हैं, इनकी कोई समझने की बात है? आप कचर 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 करके इतना दिमाग खा लोगे, कान खा लोगे, और इसकी शिकायत उसकी शिकायत, आज ऐसा हुआ कल वैसा हुआ, तो सामने वाला क्या करेगा? दो चार दस दिन पंद्रह दिन तो ठीक है झेल लेगा, आगे से सुनना ही बंद कर देगा। इसलिए हमने उनको ये सलाह, अच्छी सलाह दी कि नहीं दी? मतलब जीवन में अगर मौन पड़ जाए ना, जितना जरूरी है। देखो भाई, बाहर से ऑफिस से आए, काम करके आए, दुकान से आए श्रीमान जी, निश्चित रूप से दिन भर की कचर कचर हो गई, थकान हो गई, भाग दौड़ हो गई, हो सकता है किसी से तू तड़ाका भी हो गया हो, और घर पहुंचने पर वही बातें चालू हो जाएं तो या तो आपकी बातों में उलझ जाएंगे, आक्रोश में उलझ जाएंगे, या समझदार होंगे तो बस इधर से सुनते जाएंगे, इधर से निकलते जाएंगे, जवाब कुछ नहीं देंगे। क्यों? पहले ही परेशान है। जिम्मेदारी बनती है एक दूसरे के मन का, एक दूसरे के तन का, एक दूसरे के जीवन का ध्यान रखने की। यूं तो सब भिन्न भिन्न है, मगज के लड्डू का उदाहरण हम दे इसीलिए रहे हैं, खाने के लिए नहीं दे रहे थे, दे इसीलिए रहे थे कि उसको यूं बांध बांध करके बांध दिया तो पुद्गल का क्या हो गया? पूर्ण हो गया। लेकिन जैसे दो चार दिन डिब्बे में रहा, तीन चार दिन साथ में रहा, तो हिलने डुलने से उसका मगज धीरे धीरे उसका वापस बिखर भी जाता है। ऐसे ही पुद्गल बंधता भी है, बिखरता भी। लेकिन जब आपका एक परिवार बना है तो जिम्मेदारी क्या बनती है? जहां आप हैं वहां इस ढंग से रहें कि एक खुशी का माहौल हो, एक अपनेपन का माहौल हो, एक शांति का माहौल हो, एक धर्म ध्यान का माहौल हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप राग द्वेष मत करिए, लेकिन अनुराग, और जहां आप हैं उसके लायक भूमिका में तो आपको रहना पड़ेगा। आप उस भूमिका में भी ना रहेंगे तो नहीं जमेगा। अगर आप अपने आप को इतना परिपक्व समझते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कभी कभी नाराजी में बोल भी देते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, सब भाड़ में जाओ। आप लोग भाड़ समझते हो? किसी कहते भाड़ है, भाड़ बहुत खराब शब्द है आजकल, चूंकि प्रचलन में आ गया, और गुस्से गुस्से में बच्चों को भी बोल देते कि चल हट भाड़ में जा है? कभी कभी तो बोल देते हैं कि बोल देते निकल ही आता है। किसी को अपन इंतजार कर रहे थे और वो आए नहीं, और बल्कि कोई और दूसरा संदेश लेके आ गया कि वो तो आ जाने वाले नहीं है, तो वो काम में लग गए। नाराजी में बोलते तो भाड़ में जाएं, भाड़ में जाएं का मतलब बहुत खतरनाक होता है। भाड़ का मतलब वो बड़ी वाली भट्टी जिसमें चने वगैरह मूंगफली वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में भूंजे। भाड़ में जाएं मतलब क्या हुआ? वापस आएगा क्या उसमें से? चूंकि शब्द चालू हो गया इसलिए अपन इसको वजन इसका हल्का लगता है, लेकिन बहुत बचना चाहिए ऐसे प्रयोग से। तो मुझे किसी की जरूरत नहीं, सब भाड़ में जाओ। अरे सब भाड़ में जाओ, तुम अकेले क्या करोगे भाड़ के बाहर? तुम भी चलो। तो जब कभी हम बोल देते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन आप लोगों को कहिए या अपन संसारी इस अवस्था वालों को, किसी की किसी ना किसी रूप में थोड़ी बहुत तो जरूरत रहती है। देखो माँ को जरूरत है बेटे की, बेटा बड़ा होके काम आएगा, मुझे शिखर जी ले जाएगा, मंदिर तक छोड़ जाएगा, रोज मंदिर लेके आएगा, किसी भी ढंग से आप सोच सकते हो हैं? बेटे को जरूरत है माँ की, अगर छोटे से बेटे को माँ यूं छोड़ दे क्या होगा उसका? देखो जो युवक जो लोग आजकल बहुत ज्यादा इतराते हैं ना, और माँ बाप को एकदम कुछ नहीं समझते, एक बात ध्यान रखना कि अगर आपकी छोटी सी बाई में महीने 15 दिन के उम्र में अगर आपको खाली छोड़ देते ना, तो कोई कुत्ता बिल्ली खा जाता। ऐसी घटनाएं घट ही जाती हैं एक दो तो साल में इधर उधर कहीं भी, कि कुत्ते ने खा लिया, कि बिल्ली ने नोच दिया, कि ऐसा कर दिया, कि वैसा कर दिया। इसलिए आप कितने बड़े बन जाओ, कितने वैरागी बन जाओ, तब भी जिनके प्रति जो दायित्व कर्तव्य बनता है उसको भूलना नहीं चाहिए। और यदि आप अपने आप को इतना परिपक्व समझते हो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है,
मुझे आत्महित करना है, मुझे कल्याण करना है, तो भी आपको आज्ञा लेकर के आगे संयम के मार्ग पर बढ़ना होगा। मतलब है अगर आपके अंदर वितरागता निर्विकारता बढ़े तो आपके सौभाग्य है। तो जीव पुद्गल धर्म द्रव्य जो चलने में निमित्त बनता है, हम किसी को नहीं चलाते हैं, हम तो बहुत बहुत स्थूल हैं निमित्त। सही चलाने में निमित्त है धर्म नाम का द्रव्य, ईथर, मीडियम ऑफ मोशन, चलने में सहयोगी। जैसे मछली पानी के सहारे से चलती है, पानी जबरदस्ती नहीं चलाता, फिर भी अधर्म द्रव्य ठहरने में निमित्त बनता है। अपन ठहरे हैं तो अपन किसको ठहरा रहे? काल द्रव्य परिवर्तन में निमित्त बनता है, बदलता जाता है। बच्चे को बड़ा कौन करता है? यूं जिम्मेदारी के हिसाब से देखा जाए तो आपको लगता है कि हम बड़ा कर रहे हैं, लेकिन काल द्रव्य का वर्तना लक्षण, आकाश द्रव्य सब तरफ व्याप्त है। हम देखें तो हम स्वतंत्र हैं और शेष द्रव्य स्वतंत्र हैं, अन्य जीव भी हमसे स्वतंत्र हैं। हम अपनी स्वतंत्रता को पहचाने और पर द्रव्यों से भिन्न निज स्वरूप में रुचि करने का प्रयास करें। थोड़ा तो हो ही सकता ना, सुबह शाम एक मिनट को बैठें और ऐसे विचार करें, उससे क्या होगा? उससे क्लेश नहीं बढ़ेंगे, कहीं कुछ ऊंचा नीचा भी हो जाएगा ना तो एडजस्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं। इतनी बड़ी दुनिया में थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है, क्लेश नहीं बढ़ेंगे। इसलिए जो जिनवाणी का मार्ग है ना, बहुत मंगलकारी है। शास्त्रों का मार्गदर्शन अपने भौतिक जीवन के लिए भी उपयोगी है और आध्यात्मिक जीवन के लिए तो परम उपयोगी है। अपन जिनवाणी की शरण में रहें। जय बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ, प्रबंध समिति, रजिस्टर्ड पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर 3, राजस्थान।